ओके, लास्ट टाइम हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस किए थे शीट नंबर 44 में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में ये शीट हमने स्टार्ट की थी। इस शीट में यहाँ तक हमने किया था। एक बार इस क्वेश्चन को देखें प्लीज। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक कुछ रेजिस्टेंसेस का सेट गिवन है, आर 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 और ये आर। तो इसमें एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज किसे बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रूफ है वो हमने नेक्स्ट टाइम करना है, आज नहीं करना। बेसिक प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज का सबको मालूम है, वो क्या कि अगर पी बाई क्यू की रेशियो आर बाई एस के इक्वल हो जाए तो इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगा और आप इसे रिमूव कर सकते हैं। उसी तरीके से सेम सिचुएशन यहाँ पर है, जिसके अंदर ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये आर है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन क्या एक्ट कर रहा है? लाइक अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप ये रेशियो चेक कर सकते हैं, इस आर को आप हटा दें। उसी तरीके से आर बाई आर इज इक्वल टू आर बाई आर, तो इस रेजिस्टेंस को हटा दें। तो आपका ये आर और आर ऊपर वाला किस में हो जाएगा? इन सीरीज। ये आर और आर किस में हो जाएगा? इन सीरीज। लेकिन ये आर और आर, ये जो बीच के आर और आर है, ये सीरीज में नहीं होंगे, ये पैरेलल में होंगे। ऐसा क्यों? आप देखें, ये मान लो वी पोटेंशियल है, इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी वी और ये भी वी हो जाएगा। और ये जंक्शन मान लो किस पे है? वी नॉट पे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वी माइनस वी नॉट। इधर से ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वी माइनस वी नॉट। तो यहाँ पर वी माइनस वी नॉट, यहाँ पर वी माइनस वी नॉट, तो ये किस में कनेक्टेड होंगे? इन पैरेलल। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसमें ये वाले जो दो रेजिस्टेंस है सीरीज, ये दो पैरेलल, ये दो पैरेलल, जो पैरेलल पैरेलल के कॉम्बिनेशन जो आंसर आएंगे वो आपस में किस में होंगे? इन सीरीज। तो आप चेक करें, आर और आर, आर और आर, नीचे से आर और आर सीरीज में, नीचे से आर और आर सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में, और आपस में सीरीज में। तो ये क्या बन गया? इसका इक्विवेलेंट डायग्राम। तो इक्विवेलेंट डायग्राम में ये आर और आर किस में? इन पैरेलल। तो क्या आएगा? आर बाई टू, आर बाई टू, आर आर और आर पैरेलल, तो आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू सीरीज, तो क्या आएगा? आर। ऊपर से 2R, इधर से R, नीचे से 2R, 2R, R और 2R किस में? इन पैरेलल। तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई टू आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई टू आर। तो आंसर क्या आएगा? 0.5R। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया यहाँ तक, इस क्वेश्चन को कैसे करना है? ठीक, इसके बेस पे जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दो रेजिस्टेंसेस गिवन है। एक रेजिस्टेंस 5 ओम की गिवन है, एक 10 ओम की गिवन है। ये स्विच गिवन है, स्विच मैंने अभी ओपन रखा, वो कह रहा है बताओ बैटरी में से कितना करंट बाहर निकला। स्विच को मैंने क्लोज कर दिया तो बता, वो पूछेगा कि बताओ कितना करंट बाहर निकला। तो जब मैंने स्विच को ओपन रखा हुआ है तो स्विच को लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों किस में माने जाएंगे? इन सीरीज। तो जब ये दोनों सीरीज में हैं तो टोटल करंट बाहर क्या निकलेगा? 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10, यानी कि 0.2 एम्पियर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी? करंट की। लेकिन जब आप इसे स्विच को दबाएंगे और ऑन कर देंगे, अब क्योंकि इस वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है और इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ और यहाँ पोटेंशियल सेम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। या अगर आपने पोटेंशियल नहीं भी सेम करना, आप ऐसा मान सकते हैं कि जो करंट यहाँ आएगा वो रास्ता फॉलो करेगा, या उस रेजिस्टेंस में ज़्यादा करंट जाता है जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है। कम रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसकी तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो सारा का सारा करंट वही पाथ फॉलो करेगा जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो सारा करंट इसमें से जाएगा और इसमें से कुछ नहीं जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? 10 ओम का क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। तो यानी कि रेजिस्टेंस कितनी काउंट होगी? सिर्फ 5 ओम। तो यहाँ पर करंट क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाय 5। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो करंट जब स्विच ऑफ रखा, जब स्विच ऑन रखा, तो कैसे करंट सामने निकाले? क्लियर है? ठीक। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है किसमें? ए और बी के बीच में, पहला क्वेश्चन। ए और सी के बीच में दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ लें। इस क्वेश्चन में जैसे सपोज करो आपको
कुछ ऐसा गिवन है कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये बैटरी है कुछ ऐसे, ठीक, और ये एक और रेजिस्टेंस है। अब अगर मैं कहूँ कि इसमें करंट कैसे जाएगा, तो इस ब्रांच में करंट जाएगा, इस ब्रांच में करंट जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी आएगा, लेकिन इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि करंट को अपना सर्किट कंप्लीट करना है और जितना करंट बैटरी में से निकला घूम के उतना ही करंट वापस आना है। तो अगर इसमें चला गया तो वापस कैसे आएगा? तो जो ओपन वायर्स होती हैं जो कि सर्किट क्लोज नहीं करती, उनमें कोई करंट नहीं जाता। तो करंट अपना ये रास्ता फॉलो कर लेगा लेकिन ओपन वायर में कोई करंट नहीं जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसको लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो भी इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अब सेम कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है, चेक करो। तो इसमें ये डायग्राम है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसमें निकालनी है? ए और बी में निकालनी है। तो आप इमेजिन करें कि अगर ए में से करंट चलता है, क्योंकि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए से लेके बी तक निकालनी है, तो अगर कोई करंट यहां से आएगा वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी, इसमें भी और यहां तक पहुंच जाएगा। इन दो वायर्स, ये दो वायर्स ओपन है इसके लिए, क्योंकि करंट को ए से एंटर करना है और अल्टीमेटली कहां से निकलना है? बी से निकल जाना है। तो सी में और डी में जाके क्या करेगा? वापस तो एक बार चला गया, वापस तो आएगा नहीं, तो सर्किट क्लोज होगा, हुआ ही नहीं है। तो सी और डी में जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस है आप इसे हटा सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड सी में पूछी गई है तो करंट आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, यहां तक तो पहुंचना ही है करंट को, लेकिन ये दो वायर अब हवा में हो गई तो इनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन अब नहीं माना जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है यहां तक? तो क्योंकि पहला पार्ट आपको क्या गिवन है, पहले पार्ट में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसमें निकालनी है? ए और बी में निकालनी है। तो आप सी और डी वाली देखो वायर्स को मैंने हटा दिया, ना मैंने यहां वायर रखी ना मैंने यहां वायर रखी। क्लियर है यहां तक? तो मेरे पास सिर्फ ये बच गया। अब 10 10 10 किसमें? इन सीरीज। तो कितना आएगा? 30। 30 और 10 किसमें? इन पैरेलल। तो 30 इंटू 10 बाई 30 प्लस 10, और जो ये जो रेजिस्टेंस आएगी वो 10 और 10 के साथ किसमें? इन सीरीज। तो इन्हें ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको यहां तक? उसी तरीके से अगर मैं मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसमें निकालता हूं? ए और सी में, तो मुझे इसको और इसको हटाना पड़ेगा। तो ये देखो, मैंने ये और ये हटा दिया, ए और सी को रख लिया बस, तो मेरा ये डायग्राम बन गया। इसके अंदर ये दोनों किसमें? सीरीज में। 10 और 10 सीरीज में क्या आएगा? 20। 20 20 पैरेलल में कितना आएगा? 10। तो आपके पास क्या बना? 10 सॉल्व करके 10 और ये वाला 10, 10 10 10 इन सीरीज, तो आंसर क्या आएगा? 30। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? ऑनलाइन वालों क्लियर है? यस सर। ठीक है, जैसे सपोज आपको ये एक डायग्राम गिवन है जिसके अंदर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, टच नहीं कर रही, टच ना कर, अगर टच कर रही होती, जैसे ये टच कर रही है अगले डायग्राम में, ये देखो टच कर रही है, तो ये जंक्शन कॉमन पोटेंशियल पे होता वी नॉट। ये टच नहीं कर रही, ये एक दूसरे के ऊपर से निकल रही है, जैसे ये इसके ऊपर से निकल रही है ऐसे बिना टच किए। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, इसमें क्या होगी? किसमें? ए और बी में। तो ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं, तो हमेशा की तरह वही, अगर ये वी ए है तो ये भी किस पे है? वी ए। ये भी किस पे है? वी ए। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर ये वी ए वी ए वी ए, तो अब इस केस में क्या करेंगे? इस केस में ये मान लो वी बी है, तो ये वी बी और वी बी है, और ये वी ए ये वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना? वी ए माइनस वी बी। इसके क्रॉस भी कितना? वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी, इधर से वी ए माइनस वी बी, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों किसमें कनेक्टेड है? इन पैरेलल। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर 2 और 2 सीरीज में है, 4 2 और 2 सीरीज में है, 4 4 और 4 किसमें? इन पैरेलल। तो अब चेक करो, इस 2 को तो मैंने छेड़ा नहीं, इस 2 को भी मैंने नहीं छेड़ा, ये 2 और 2 किसमें? इन सीरीज। तो ये देखो, ये सीरीज 2 एंड 2, ये 2 एंड 2 किसमें? सीरीज। और ये जो कॉम्बिनेशन आएगा 4 और 4, वो किसमें है?
पैरेलल, तो ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है, एक ही बात है। तो टू और टू, टू और टू सीरीज में आपस में पैरेलल में, तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकाल ही लोगे। कैसे? ये दोनों किसमें? सीरीज में, तो क्या आएगा? फोर। ये भी क्या देगा? फोर। टू फोर फोर टू किसमें? इन पैरेलल। आर इक्विवेलेंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो कैसे सोचना है, समझ में आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आपको? अब सेम क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, ये देखो, अब वो वायर्स पहले एक दूसरे के ऊपर से निकल रही हैं, इस बार क्या हो रहा है? जंक्शन है, ये वी नॉट है। अब क्या होगा? ये वी है तो ये वी है, अगर ये वी है तो ये क्या? वी नॉट, वी नॉट। तो ये वी ए माइनस वी नॉट, इधर से ये वी ए माइनस वी नॉट, ये वी बी तो ये वी बी, वी बी तो वी बी माइनस वी नॉट और वी बी माइनस वी नॉट। तो अब ये वी ए माइनस वी नॉट, वी ए माइनस वी नॉट, ये दोनों किसमें? इन पैरेलल। वी बी माइनस वी नॉट, वी बी माइनस वी नॉट किसमें? इन पैरेलल। ये दोनों पैरेलल आपस में जो कॉम्बिनेशन आएगा इन सीरीज। तो आप चेक कर सकते हो, ये फोर है, ये भी फोर है, ये फोर और फोर पैरेलल में तो क्या आएगा? टू। फोर और फोर पैरेलल में तो क्या आएगा? टू। टू और टू किसमें? सीरीज में। तो यहाँ पर क्या आएगा? फोर। टू एंड टू किसमें? सीरीज में, तो फोर। तो फोर 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 पैरेलल में, तो आंसर क्या आएगा? फोर बाई थ्री। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर।